जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही प्रार्थना है आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। आज की वीडियो है धनतेरस। धनतेरस नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे धन की बारिश हो गई है। जी हाँ, धन हर इंसान को बहुत प्रिय है और सबको बहुत अच्छा लगता है। धन तो आ गया, लेकिन उसके साथ में हमारे को स्वास्थ्य का भी बड़ा ख़ास ध्यान रखना पड़ता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धनतेरस पे आज जो मैं आपको उपाय बताने के लिए आई हूँ, ये शायद आपने बहुत कम ही सुना होगा। धनतेरस यानी कुबेर जी, धन तो आपके घर के अंदर आ गया है, क्या उस धन को स्थिरता है? उस धन के अंदर पैसा बाद में आता है लेकिन खर्चे पहले खड़े हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि धनतेरस वाले दिन ऐसा कौन सा उपाय करें, क्या करें ताकि लक्ष्मी हमारे घर के अंदर स्थिर होकर के रहे और हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो सारी पूरी हों। धनतेरस कुबेर जी की पूजा होती है। कुबेर जी का स्थान कहाँ है? नॉर्थ के अंदर है और इस दिन विष्णु लक्ष्मी की भी हम पूजा करते हैं और साथ में स्वास्थ्य की धनवंती। धन तो है, अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं हुआ तो फिर हम उस धन का यूज नहीं कर पाएंगे। तो इस दिन जो है धनवंती की पूजा होती है और साथ में कुबेर जी की पूजा होती है और विष्णु और लक्ष्मी जी की। कहते हैं जहाँ पर विष्णु जी होते हैं लक्ष्मी तो हमेशा रहती हैं। लक्ष्मी आपके घर के अंदर आ गई, मगर वो स्थिरता कैसे है? तो वो स्थिरता कुबेर जी के थ्रू आती है। आपने देखा होगा कि रिजर्व बैंक के बाहर कुबेर जी हैं, यानी कुबेर जी पूरा आपका अकाउंट्स का ध्यान रखते हैं कि पैसा कहाँ पर खर्च होना है और कहाँ पर आपको संचित करना है। कैसे कैसे आपने, अब जैसे आप अपने घर के अंदर भी, आप अपने बिजनेस के अंदर भी अकाउंटेंट को रखते हैं, सीए को रखते हैं, तो वो आपका सारा पैसे का सिस्टम संभाल करके रखता है। तो उसी तरह से कुबेर जी की पूजा होती है। इस दिन दो तीन चीज़ों का आपने खास ध्यान रखना है। एक तो आपने सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी होकर, क्योंकि कार्तिक का महीना भी चल रहा है, सुबह जल्दी उठ करके आपने हल्दी और कुमकुम से अपने मेन गेट के ऊपर आपने ओम बनाना है, दोनों तरफ ओम बनाना है और बीच में आपने स्वास्तिक बनाना है, क्योंकि उसी दिन से लक्ष्मी का आगमन आपके घर के अंदर होता है। अब आप नोट कर लीजिए कि धनतेरस वाले दिन आपने क्या क्या चीज़ें इकट्ठी करनी है। 13 आपने कोड़ियाँ लेनी है और उन कोड़ियों को आप पीले रंग के, या तो केसर हो या वैसे पीली कोड़ियाँ मिल जाती हैं, 13 आपने कोड़ियाँ लेनी है, 11 गोमती चक्र लेने हैं, 2 नमक की थैली लेनी है, 1 चीनी की थैली लेनी है आपने, साथ में 2 इंच के गन्ने लेने हैं। 2 इंच के गन्ने मार्केट में मिल जाएंगे, ये आपने लेना है और उस दिन 2 झाड़ूएँ ज़रूर लेनी है आपने। अब ये सारा सामान और साथ में 4 मुँह का दीपक लेना है, 2 ले लीजिएगा 4 मुँह के दीपक। अब आपने क्या करना है, ये सारा सामान जो है आपने अपने मंदिर के अंदर रखना है। पीले रंग का आपने कपड़ा बिछा दिया मंदिर के अंदर और एक चौकी के ऊपर एक पीले रंग का अलग से एक वस्त्र, पीले रंग का आप कपड़ा बिछा दीजिए, उसके ऊपर आपने धनवंती की मूर्ति, आपको गूगल से मिल जाएगी अगर आपके पास है तो धनवंती, क्योंकि धन तो है, अगर स्वास्थ्य नहीं है तो फिर किस काम का। तो इस दिन जो है स्वास्थ्य की भी पूजा होती है, हमारे शारीरिक जो कष्ट है वो भी ख़त्म होते हैं। और साथ में इस दिन ये खास ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके घर के अंदर एक्सपायर्ड दवाइयाँ बहुत सारी पड़ी हों तो उन दवाइयों को भी आप घर से बाहर निकाल दीजिएगा। अब आपने क्या करना है, पीले रंग के कपड़े के ऊपर आपने कुबेर जी महाराज को बैठाना है और साथ में धनवंती की मूर्ति रखनी है। जो पिछले साल की गणेश लक्ष्मी है वो आपने उस वहाँ पर रखना है।
धनिये के दाने रखने हैं आपने, और कोड़ी जो मैंने बताई है, गोपती चक्र बताए हैं, और साथ में झाड़ू एक साइड के अंदर रख दीजिएगा। अब आपने पूजा करनी है, सबको तिलक करना है। इस दिन आपने एक नया बर्तन ज़रूर लेना है, और एक जो है ना स्पेशल चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये ज़रूर करिएगा। जिन घरों के अंदर धन की बहुत कमी है, पैसा बाद में आता है, खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनके लिए मैं एक स्पेशल चीज़ बता रही हूँ। इस दिन आप मक्के का आटा ज़रूर लीजिएगा। जी हाँ, मक्के का आटा ज़रूर लीजिएगा। मक्के का आटे का आपने क्या करना है, मक्के का आटा आपकी देख लीजिएगा, जितना भी आप लेना चाहें, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, जो आपकी श्रद्धा हो उसके हिसाब से आपने मक्के का आटा लेना है। उस मक्के के आटे को आपने उपहार के तौर पर अपने जो भी आपके रिश्तेदार हैं या आपके जो काम करने वाले आते हैं या गरीब हैं, किसी को भी आपने पैकेट बना लिए छोटे छोटे, और वो मक्के का आटा आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, देना है। और साथ में थोड़ा सा मक्के का आटा आप अपने घर के लिए उस दिन एक रोटी मक्के के आटे की ज़रूर बनाइएगा, और पूरा परिवार ज़रूर खाइएगा। क्योंकि कहते हैं, देखिए, धनतेरस वाले दिन बर्तन चांदी खरीदना, सोना खरीदना बहुत शुभ होता है, मगर वो जो आप बर्तन जो भी चीज़ लेकर के आते हैं, वो आप अपने एक अपने घर के लिए लेकर के आते हैं, और जब वो मक्के का आटा किसी को आप देते हैं, तो कहते हैं कि कई गुना शुभ काम, शुभ चीज़ें जो है हमारे जीवन के अंदर आनी शुरू हो जाती है, हमारे घर के अंदर धन का आगमन होना शुरू हो जाता है। ये काम आपने, ये सब सामान रख लिया, अब आपने क्या करना है, वहाँ पर जो पीला कपड़ा बिछा करके भगवान को आपने स्थापित किया था, वहाँ पर आपने हल्दी और कुमकुम का तिलक करना है सबको। धनवंती स्रोत अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आता है तो YouTube के ऊपर आप ज़रूर सुनिएगा बैठ करके, और कुछ देर बैठ करके आपने प्रार्थना करनी है। साथ में आपने एक पीले रंग का कागज़ लेना है, जो भी आपकी इच्छा है कि आपको इतना धन मिले, या अगर कहीं पर आपका पैसा फंसा हुआ है, तो आपने उस कागज़ के ऊपर अपनी मनोकामना लिखनी है। लिखने के बाद में उस कागज़ को है वहाँ पर कुबेर जी महाराज, जहाँ पर लक्ष्मी गणेश जी रखे हुए हैं, वहाँ पर आपने रख देना है, और वहाँ पर कुछ देर बैठ करके आपने प्रार्थना करनी है। विष्णु सहस नाम पढ़ना इस दिन बहुत अच्छा होता है, साथ ही विष्णु जी का जाप करना बहुत अच्छा होता है। ये करने के बाद में अगले दिन आपने क्या करना है, हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई आपको, कि झाड़ू के ऊपर जहाँ पर बंधा हुआ होता है, वहाँ पर आपने मौली बांधनी है, और उसके बाद में तिलक लगाना है। जो झाड़ू है, दोनों झाड़ुओं की आपने पूजा करनी है, और करने के बाद में कोशिश ये करें कि अगले दिन यानी दिवाली वाले दिन पुरानी झाड़ुओं को आप घर से बाहर निकाल दें, और साथ में नई झाड़ू से आप घर के अंदर ज़रूर झाड़ू लगाएं। साथ ही जिस दिन धनतेरस है, उस दिन जिस समय आप पीला कपड़ा बिछा रहे हैं, उस समय घर के जो भी मेन है, अपने मंदिर की आपने सफाई ज़रूर करनी है, पोछा ज़रूर लगाना है। कहते हैं जब हम मंदिर का पोछा लगाते हैं तो शनि राहु हमारे अच्छे होने शुरू हो जाते हैं, जो हमारी कुंडली के अंदर दोष होता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। क्योंकि शनि क्या है, आसमान, ज़मीन से आसमान पे ले जाते हैं और आसमान से ज़मीन पे ले आते हैं, और राहु क्या है, भ्रमित करता है। तो जब हम मंदिर के अंदर, अपने मंदिर के अंदर पोछा लगाते हैं, तो हमारे को शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं, और हमारा जीवन जो है सुखमय हो जाता है। और जो धनिया है जो आपने रखा है, पूरी रात वहीं पर ही रहने दीजिएगा, अगले दिन किसी गमले के अंदर आप उसको बो दीजिएगा। जो आप नमक की 2 थैली लेकर के आए थे, उसमें से 1 थैली ले लीजिएगा, वो नमक से आप शाम का खाना उस नमक से ज़रूर बनाइएगा। साथ ही जो 4 मुखा आप दीपक लेकर के आए हैं, ये यम का दीपक होता है, इसको आपने अपने घर के मेन गेट के ऊपर जलाना है, सरसों का तेल के अंदर जलाना है। साथ में इसके अंदर थोड़ी सी आप हल्दी और केसर डाल दीजिएगा, तब आपने दीपक जलाना है।
और इसके साथ में अपने घर का साउथ वेस्ट देख लीजिएगा, वहाँ पर भी आपने चौमुखा दीपक जलाना है ताकि आपके घर के अंदर सुख शांति समृद्धि बनी रहे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपके घर के अंदर खूब सारी खुशियां लेकर के आए। जो मैंने आपको उपाय बताए हैं ये ज़रूर करिएगा और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसको करने के बाद में क्या बेनिफिट मिला है। जय श्री राम।